रामनगरी अयोध्या जनपद में पहले ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन अयोध्या मंडल के कमिश्नर एपी अग्रवाल ने किया है और जिले का पहला ऑक्सीजन प्लांट जिला महिला अस्पताल के परिसर में लगाया गया, जिसे एक्सीकॉन हेल्थ केयर ने स्थापित किया है। उद्घाटन करने के बाद कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने बताया कि 500 लीटर प्रति मिनट ये प्लांट ऑक्सीजन जनरेट करेगा, जिससे 100 बेड पर अनावरत ऑक्सीजन मिलती रहेगी। कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने बताया कि जनपद में 30 जून तक 3 प्लांट व 15 अगस्त तक 8 ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो जाएंगे, जिससे अब मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होगी और कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अयोध्या मंडल तैयार हो रहा है। ये आज जो है एसडीआरएफ से जिलाधिकारी ने आज सैंक्शन किया था, जैसी ऑक्सीजन की समस्या शुरू हुई थी और ये महिला अस्पताल में लग गया है, आपके सामने फंक्शनल भी है। ये 500 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन दिया करेगा, प्योर ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन जिसे कहते हैं, मतलब 500 लीटर पर मंथ पर मिनट दिए गए, तो जिससे कि हमारे लगभग 100 बेड के आसपास हम लोग को 100 बेड पे हमेशा ऑक्सीजन मिलता रहेगा, मतलब 24 घंटे ऑक्सीजन मिलेगा। तो 100 बेड पे हमारे मरीज जो भी रहेंगे उनको ऑक्सीजन में कोई दिक्कत नहीं। ये जिले का पहला प्लांट है जो आज इसका उद्घाटन किया हम लोगों ने। इसके अलावा लगभग 30 जून तक हमारे पास 3 प्लांट और चालू हो जाएंगे और जुलाई 31 या 15 अगस्त तक हमारे लगभग टोटल जनपद में 8 प्लांट चालू हो जाएंगे। कुमारगंज में भी है, दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज में भी है, पूरा बाजार में है, मसौदा में है, बीकापुर में है, कई जगह।